नल पुराण इतिहास के 102वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले मेरे किसी ना किसी एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारित करता हूं और आज भी मैंने प्रसारण के लिए एक कमेंट ले लिया है और जो कमेंट करने वाले सज्जन हैं उनका नाम है प्रकाश चौहान, जो फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं और लिखते हैं, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैंने आपके नल पुराण इतिहास को अच्छे से सुनाए, उसके सभी एपिसोड देखे हैं, परंतु आप एक बार मेरा नाम भी अपने चैनल पर प्रसारित करने की कृपा करें। तो देखिए श्रीमान प्रकाश चौहान साहब, मैंने आपका नाम हमारे चैनल पर प्रकाशित कर दिया है, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और आप जैसे विद्वानों से ये उम्मीद रहती है, ये आशा रहती है कि आप जैसे विद्वानों का साथ हमेशा रहेगा। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 101वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 101वें एपिसोड में मैंने बताया था कि जब गंगाराम तोता ढोल कुमार को आकर के ये सूचना देता है कि तेरी माता दमयंती सूरमगढ़ के चौराहे पर खड़ी करके बेची जा रही है, तो ढोल कुमार को क्रोध आ जाता है, परंतु गंगाराम तोता उसे समझाते हैं कि तू अकेला है या युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए सौदागर का भेष धारण कर। देखिए श्रोताओं, गंगाराम तोता के कहने से ढोल कुमार अपना भेष बदलता है, व्यापारियों का भेष बना लेता है और सौदागर का भेष बना करके अपने ऊंट को, जो खजैला ऊंट था, उसे साथ में लेकर के, गंगाराम तोता को साथ में लेकर के चल देता है और आ जाता है जहां रानी दमयंती बेची जा रही थी, उसी सूरमगढ़ के चौराहे पर आ गया और वहां रानी दमयंती को खरीदने वाले अनेकों ग्राहक बैठे हुए थे। हे श्रोताओं, जब रानी दमयंती की नजर अपने पुत्र ढोल कुमार पर पड़ी तो रानी का मन प्रसन्न हो गया, परंतु साथ ही सोचने लगी कि हे भगवान, ये ढोल कुमार तो अपना गौना करने के लिए गया था, ये यहां कैसे आ गया, ये सूरमगढ़ उल्टी दिशा में है, ये क्या हुआ, क्या महाराज नल को इसका पता चल गया, फिर राजन क्यों नहीं आए, ये अनेकों विचार रानी दमयंती के मन में आ रहे हैं। ढोल कुमार दमयंती की तरफ देखता नहीं है, ढोल कुमार सीधे राजा सूरम सिंह के पास आते हैं और राजा सूरम सिंह से कहने लगे कि महाराज सूरम सिंह, हम एक व्यापारी हैं और हम तुम्हारी इस रानी को खरीदना चाहते हैं। राजा कहने लगे कि ठीक है सौदागर, तुम खरीद सकते हो, परंतु इसकी कीमत 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हैं, क्या तुम दे पाओगे। ये बात जब ढोल कुमार ने सुनी तो कहने लगे कि अवश्य महाराज, हमें तो रानी चाहिए, हम तो 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं आपको अवश्य अदा कर देंगे। राजा सूरम सिंह ढोल कुमार से पूछ रहा है कि कहां से आए हो सौदागर तुम, कि मैं द्राविड़ देश का रहने वाला हूं और इसी तरीके से व्यवसाय करता हुआ चला आ रहा था, परंतु जब यहां आकर के सुना कि एक रानी को चौराहे पर बेचा जा रहा है तो मन में विचार आया कि इस रानी को भी खरीद करके ले चलते हैं। अब तो राजा सूरम सिंह ने ये घोषणा कराई कि कोई भी इससे अधिक स्वर्ण मुद्राएं लगाए, नहीं तो मैं रानी को इस सौदागर को बेच रहा हूं। देखिए श्रोताओं, जब राजा की बात अन्य सौदागरों ने सुनी तो कह दिया कि महाराज, हम इतनी स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकते, ये इतने कीमत की रानी नहीं है कि हम इसे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं में खरीदें, परंतु ढोल कुमार तो अपनी माता थी, उसे खरीद करके छुड़ा करके ले जाना चाहता था। देखिए श्रोताओं, ढोल कुमार कहता है कि मैं 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और मेरा सौदा पक्का हो गया। श्रोताओं, 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं ढोल कुमार ने अपने खजैला ऊंट से, जो उसके पीठ पर लदी हुई थी, वहां से लाया और ला करके राजा को संभाल दी। राजा को जैसे ही 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी गई तो राजा तो प्रसन्न हो गया और मन में सोचने लगा कि मैंने इस रानी को खूब अपमानित किया है और अपमानित करने के बाद द्राविड़ देश के सौदागर को बेच दिया, अब देखूंगा कि नल इसका कैसे पता लगाएगा। परंतु श्रोताओं, ध्यान देने की बात तो यह है
कि जो चंद्रवती लड़की थी उस लड़की को शक हो जाता है कि ये जो खरीदने वाला है ये सौदागर है, कोई राजकुमार दिखाई देता है। इसका चेहरा तो राजाओं के चेहरा से भी तेजवान है। तो उस चंद्रवती ने अपनी दासी को भेजा और दासी से कहा कि दासी इस सौदागर को फौरन बुला करके महल में लाओ और मेरे पिताजी से कह देना कि सौदागर को राजकुमारी ने बुलवाया है। देखिए श्रोताओं, चंद्रवती की दासी फौरन ही उस चौराहे पर आती है और वहां चौराहे पर आकर के महाराज सूरम सिंह से कहने लगी कि महाराज राजकुमारी ने इस सौदागर को अपने महल में बुलवाया है, कुछ बातें करना चाहती है। राजा सूरम सिंह कहने लगे कि सौदागर पहले आप हमारे महल में जाइए, हमारी राजकुमारी आपसे कुछ बातें करना चाहती है। और इस रानी को तो आप कभी भी ले जाना, इस रानी को तो हमें हमने बेचना था आपको दे दिया। अब ध्यान से सुनने की बात यह है श्रोताओ, ढोल कुमार सोचने लगा कि हे भगवान अब कोई दूसरा संकट आ गया, निश्चित ही ये राजकुमारी जादूगरनी दिखाई देती है, परंतु अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए मुझे इसके साथ चलना होगा। श्रोताओ ढोल कुमार उस दासी के पीछे पीछे चल देता है और आ जाता है राजमहल में। जब राजमहल में ढोल कुमार आया तो चंद्रवती ने उसे बैठने के लिए एक मूड़ा डाल दिया और कहने लगी कि सौदागर पहले अपना पूरा परिचय बताओ कि तुम कौन हो। जब ये बात ढोल कुमार ने सुनी तो ढोल कुमार कहने लगा क्यों, क्या बात है, तुम मेरे परिचय का क्या करोगी, मैं द्राविड़ देश का सौदागर हूं, बताइए क्या बात है। जब ये बात राजकुमारी चंद्रवती ने सुनी तो चंद्रवती कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक सौदागर हो, तुम्हारा चेहरा तो देखने में राजकुमार जैसा दिखाई देता है और तुम्हारी सूरत ये जो बिकने वाली रानी दमयंती है इसकी सूरत से मिल रही है, क्या कारण है, सच सच बताओ तुम कौन हो। ढोल कुमार कहने लगा कोई नहीं हूं राजकुमारी, मैं एक सौदागर हूं और यहां जब मैंने सुना कि रानी बिक रही है तो रानी को खरीदने चला आया। परंतु श्रोताओं चंद्रवती नहीं मानती है, चंद्रवती कहने लगी सत्य बताइए, तुम्हारा चेहरा और इस रानी का चेहरा एक जैसा क्यों है, क्या कारण है, ये सत्य बता, सत्यता बताइए। परंतु श्रोताओं ढोल कुमार उसे कुछ भी नहीं बता रहा है। चंद्रवती ने ढोल कुमार से कहा कि सत्य सत्य बताओ, तुम सौदागर तो प्रतीत होते नहीं है, तुम तो कोई राजकुमार हो। परंतु ढोल कुमार कुछ नहीं बता रहा है। श्रोताओ जब चंद्रवती ने ज्यादा पूछा तो ढोल कुमार से कहने लगी कि मैं जानती हूं तुम इस रानी दमयंती के पुत्र हो, परंतु मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूं कि तुम मेरे साथ अपना विवाह कर लें तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अन्यथा मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगी, यही बंदी बनवा देती हूं। जब ढोल कुमार ने विवाह का नाम सुना तो कहने लगा कि मैं तुझ जैसी मूर्ख लड़कियों से विवाह करूंगा, तुम बड़ी धोखेबाज हो, तुम जादूगरनी हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। श्रोताओ अब तो राजकुमारी चंद्रवती ने आवाज लगाई और अपने पिता को बुलाया और कहने लगी कि पिताजी तुम जिसे सौदागर समझ रहे थे ये तो इस रानी का पुत्र ढोल कुमार है, इसे बंदी बना लिया जाए। देखिए श्रोताओ अकेला राजकुमार था, कितना युद्ध करता, राजा ढोल कुमार ने अपनी तलवार खींची और युद्ध करने लगा। रानी दमयंती को भी इस बात का आभास हो गया कि अब मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं, यहां से बचकर के निकलना संभव नहीं है। श्रोताओ राजा ने ढोल कुमार को बंदी बनवा लिया और बंदी बना करके एक भक्सी थी जिसकी गहराई 80 हाथ थी, उस भक्सी में हाथ पैर बांध करके ढोल कुमार को डाल दिया गया। देखिए श्रोताओ अब गंगाराम तोता वहां अकेला रह जाता है। गंगाराम तोता ने जब यह देखा कि ढोल कुमार तो बंदी बन गया और रानी दमयंती को चौराहे पर खड़ा करके बेचा जा रहा है, गंगाराम तोता मन में विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, रानी को कैसे छुड़ाऊं, ढोल कुमार के प्राण कैसे बचाऊं। ये विचार करके गंगाराम तोता मन में सोच रहा है कि मुझे अब नरवरगढ़ के लिए चलना चाहिए। श्रोताओं ये सोच करके गंगाराम तोता नरवरगढ़ के लिए उड़ान भरता है। और अब नरवरगढ़ का हाल सुनिए, नरवरगढ़ में राजा नल तो था ही नहीं, राजा नल तो चला गया था पिंगुलगढ़,
अपने पुत्र को खोजते खोजते, और श्रोताओं रानी दमयंती का अपहरण हो चुका था। तो लाखा ब्राह्मण और सेनापतियों को जब इसका पता लगा कि महारानी महल में नहीं है, तो वो महारानी को खोजने लगे, इधर उधर जाकर के महारानी को ढूंढ रहे हैं और मंत्रणाएं चल रही है कि आखिरकार रानी गई कहां और हम महाराज नल को क्या सूचना देंगे, क्या कहेंगे। देखिए श्रोताओं, तब तक गंगाराम तोता नरवरगढ़ आ जाता है और गंगाराम तोता भी नरवरगढ़ में महाराज नल को ढूंढने लगा, परंतु महाराज नल तो नरवरगढ़ में थे ही नहीं, इसलिए गंगाराम तोता और भी ज्यादा परेशान हुआ। गंगाराम तोता ने मन में विचार किया कि यहां राजा नल तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु क्या करूं, किसको सुनाऊं, और यहां का जो प्रधान सेनापति है वो कौन है, ये मन में विचार करने लगा। देखिए श्रोताओं, उन्हें लाखा ब्राह्मण दिखाई दे जाते हैं। वो लाखा दादा को इसलिए जानता था क्योंकि कई महीने वो नरवरगढ़ में रानी रेवा की कैद में रहा था। जब लाखा दादा उन्हें व्यग्र दिखाई दिए, क्योंकि वो तो दमयंती रानी को खोज रहे थे, तो गंगाराम तोता लाखा दादा की गोदी में जाकर के बैठ जाता है। लाखा दादा की गोदी में जब तोता जाकर के बैठा तो लाखा दादा कहने लगे कि कहो तोता, तुम कौन हो और कहां से आए हो। तोता कहने लगा कि देखिए ब्राह्मण देव, मैं मरवन का तोता हूं, मेरा नाम गंगाराम है और मैं ही ढोल कुमार को गौना करने के लिए पिंगुलगढ़ लेकर के गया था। तो ये बात जब लाखा दादा ने सुनी तो और चिंतित हो गई कि फिर क्या हुआ, क्या ढोल कुमार पिंगुलगढ़ में दरवाजे में दब करके मर गए। कि नहीं दादा, ऐसा नहीं हुआ, मैं और ढोल कुमार दोनों जब पिंगुलगढ़ पहुंचे, दरवाजे का नेक किया, दरवाजे से भी ढोल कुमार बच गया। उसके बाद महाराज बुद्ध ने ढोल कुमार से कहा कि तुम्हें दिखनी चीर लानी होगी, जैसी दिखनी चीर तुम्हारे पिताजी लेकर के आए थे वैसी ही दिखनी चीर तुम लेकर के आओगे। हे श्रोताओ, तो लाखा दादा कहने लगे फिर क्या हुआ, मैं और ढोल कुमार दोनों दिखनी चीर लेने के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में एक सूरमगढ़ नामक राज्य पड़ता है, वहां के चौराहे पर हमने देखा तो महारानी दमयंती खड़ी हुई है और दमयंती को बोली लगा करके वहां का राजा सूरम सिंह बेच रहा है, और हे ब्राह्मण देव, जब हमने उसे छुड़ाने का प्रयत्न किया तो तुम्हारे राजकुमार ढोल कुमार भी वहां बंदी बन चुके हैं, उस राजा ने ढोल कुमार को बंदी बना लिया है। अब तो देखिए श्रोताओं, लाखा दादा और घबरा गए। लाखा दादा के पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि पिंगुलगढ़ बहुत दूर था, वहां राजा नल चले गए थे। तो लाखा दादा ने एक पत्रवाहक बुलाया और पत्रवाहक को पत्र लिख करके शाहनुमाने के लिए भेज दिया, कह दिया कि जाइए महाराज मनसुख को बुला करके लाइए, महाराज मनसुख सेना सहित आ जाएं। हे श्रोताओं, वो पत्रवाहक पत्र को लेकर के चलता है, अपने घोड़े पर बैठ करके 3 घंटे का समय लगाया, शाहनुमाने में आ जाता है। श्रोताओं, जब पत्रवाहक शाहनुमाने पहुंचा तो मनसुख का दरबार लगा हुआ था। मनसुख के दरबार में नरवरगढ़ के पत्रवाहक को देख करके मनसुख घबरा जाता है कि अवश्य कोई ना कोई संकट मेरे भाई नल पर आन पड़ा है। हे श्रोताओं, पत्रवाहक ने मनसुख को पत्र गाया, पत्र थमाया और जब पत्र को पढ़ा तो पत्र को पढ़ करके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अपनी सेना को आदेश दिया कि वीरों सुसज्जित हो जाओ, मेरे भाई नल पर बहुत बड़ा संकट आ गया है और हमें नरवरगढ़ की तरफ चलना है। देखिए श्रोताओं, शाहनुमाने की सेना तैयार हो रही है। मनसुख गुर्जर ने सेना को आदेश दे दिया कि चलिए नरवरगढ़ की तरफ। हे श्रोताओं, उधर लाखा दादा और किशनलाल दोनों ने सेना का नेतृत्व किया और 1 लाख की फौज को लेकर के लाखा दादा और किशनलाल चल देते हैं, और 1 लाख की फौज को लेकर के मनसुख गुर्जर चल देता है। अपनी फौज को लेकर के राजा मनसुख चल देते हैं और उधर से लाखा दादा अपनी 1 लाख की फौज को लेकर के चल देते हैं। दोनों का वादा हो गया कि हमें वहां मिलना है।
देखिए श्रोताओं, निर्धारित स्थान पर दोनों देशों की सेनाएं मिल जाती हैं। जब मनसुख गुर्जर ने देखा कि महाराज नल नहीं है, तो लाखा दादा से कहने लगे, दादा महाराज नल कहाँ गए, मेरा मित्र कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, केवल किशनलाल ही किशनलाल है, क्या हुआ मेरे मित्र के साथ। तो लाखा दादा कहने लगे कि देखिए मनसुख, तुम्हारे मित्र ढोल कुमार को खोजते खोजते पिंगुलगढ़ की तरफ चले गए हैं। वो पिंगुलगढ़ पहुंच गए और ढोल कुमार दिखनी चीर लाने के लिए जींद देश जा रहा था। तो मार्ग में जब सूरमगढ़ पड़ा, तो वहां के चौराहे पर अपनी माता को बिकते हुए देखा, क्योंकि सूरमगढ़ के राजा सूरम सिंह ने दमयंती का अपहरण करवा लिया था। और जब ढोल कुमार ने यह देखा, तो सौदागर का रूप धारण करके अपनी माता को छुड़ाने गया, और वहां पता चल गया राजा सूरम सिंह को, और उसने ढोल कुमार को बंदी बना लिया। श्रोताओं, अब तो मनसुख गुर्जर और किशनलाल दोनों कहने लगे, लाखा दादा हम दोनों ही सूरम सिंह को पराजित कर देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सेनाओं को आदेश दे दो, सूरमगढ़ को घेर लिया जाए। श्रोताओं, इधर से तो दोनों देशों की सेनाएं सूरमगढ़ की ओर चली जा रही है। अब उधर का हाल सुनिए, क्या होता है कि राजा नलो जब पिंगुलगढ़ में पहुंचा, तो उसे सूचना मिलती है महाराज बुधभाटी के यहां से। महाराज बुधभाटी कहने लगे कि महाराज नल, हमने तुम्हारे पुत्र को दिखनी चीर लाने के लिए जीन देश भेज दिया है, तुम्हारा पुत्र जीन देश को गया हुआ है, और जब दिखनी चीर ले आएगा तो हमारी शर्त पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक दिखनी चीर तुम भी तो लेकर के आए थे, जब तुम ले आए तो तुम्हारे पुत्र को क्या दिक्कत है, इसलिए हमने तुम्हारे पुत्र के पराक्रम को जानने के लिए, तुम्हारे पुत्र की शक्ति को देखने के लिए दिखनी चीर मंगाई है। यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए चाहता हूं आप सभी से अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।